देश के अंदर लॉकडाउन आप बेशक कीजिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लॉकडाउन आप 3 महीने का करिए चाहे 300 सालों का करिए, कोई आपत्ति नहीं हमें। लेकिन साथ साथ आप ये काम भी करिए कि 3 महीने का अगर आप लॉकडाउन करेंगे तो 3 महीने का इस देश की गरीब जनता का बिजली और पानी का बिल माफ करिए, 3 महीने का उनके घर में राशन भरवाइए, 3 महीने का आप उनकी सारी बैंक की किस्तें, उनकी लोन वो दूर करवाइए। हम कोई पागल नहीं है, हमें मरने का शौक नहीं है। जो सड़क पे इस देश का माइग्रेंट, इस देश का लेबर सड़क पे निकलेगा, आप दीजिए उसे 3 महीने का रहने के लिए पैसा दीजिए, उसे घर दीजिए, उसके घर का किराया दीजिए। 500 रुपए आप, 500 रुपए मैं आपको देता हूँ, और कल से आप पत्रकारिता छोड़िए, रुकिए, 500 रुपए मैं आपको देता हूँ, 500 रुपए चाहिए ना आपको? लेबर की बात कर रहे हैं ना आप? भी तो लेबर आप सरकार की लेबर है, आपको भी 500 चाहिए। सर आपने ये कहा कि आप मेरी बात सुनिए जी, माइक क्लोज करिए। 500 देश की जनता को प्रधानमंत्री दे रहे हैं, मैं इनको 1000 दे रहा हूँ, माइक बंद करिए। अरे बंद करिए ना, सुनिए ना, क्या सुनिए? मोदी यहाँ की जो जनता है उसको सुविधा के लिए दे रहे हैं ना 500 रुपए। अरे 500 रुपए में क्या सुविधा होगी? 500 रुपए तो इनके अफसर घूसखोरी खा जाते हैं, 500 रुपए इस देश के अंदर अफसर घूसखोरी खा जाते हैं। खुश हो रहे हैं ना? अरे 500 रुपए में आपको एक बताइए, 500 में सिप्ला कंपनी का इंजेक्शन आ रहा है, रेमडेसिविर जो आ रहा है, ठीक है, उसकी कीमत 5000 रुपीज है, ठीक है, और आप 500 रुपए में करा रहे हैं। 500 रुपए मोदी जी, 500 रुपए छोड़िए, 5000 रुपए ले लीजिए और प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दीजिए। दीजिए ना 500 रुपए अपने मंत्रियों को, एमएलए को, 500 रुपए क्यों नहीं देते? एमएलए चलाएगा 500 रुपए में खर्चा? 5000 रुपए का एक दिन में गाड़ी में तेल और डीजल फूकने वाले एमएलए इस देश की गरीब जनता को 500 रुपए देकर उनके जिस्म का, उनके आप सरकार से चाहते क्या है? 500 रुपए ना दे और दे तो बिल्कुल दीजिए ना, 3 महीने का बिजली पानी माफ करिए अगर लॉकडाउन करते हैं। 3 महीने की अर्थव्यवस्था खत्म हो जाएगी ना फिर, अगर पैसे लोगों में बांट दिया जाए तो देश की अर्थव्यवस्था, वाह, 3000 करोड़ की सरदार पटेल की मूर्ति बना दो तो देश की अर्थव्यवस्था बढ़ जाएगी, ठीक है, 10 लाख का सूट पहन लो तो देश की इकोनॉमी बढ़ जाएगी, ठीक है, और करोड़ों रुपया अपनी विदेश यात्रा पे खर्च कर दो तो देश की GDP बढ़ जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़ के आए हैं आप? लेकिन अगर गरीब जनता को दे दो तो इकोनॉमी भी गिर जाएगी, GDP भी गिर जाएगी। कौन से स्कूल से पढ़े मोदी जी? के स्कूल से पढ़े क्या जहाँ डिग्री नहीं मिलती, बताइए ना? या पढ़े लिखे MA कर रखे हैं, हाँ मोदी जी ने चाहिए तो आप मोदी जी, एक बात मुझे बताइए ना, आप मोदी जी के क्लासमेट थे क्या? मोदी जी के क्लासमेट थे, उनके साथ पढ़े हो क्या आप? कैसे पता आपको मोदी जी पढ़े? मोदी ने दीक्षा भी मांगी है, चाय भी बेची है, तो आप क्यों नहीं मांगते भीख? आपको मांगने से मना करा है, पूरी जनता के हाथ में तो कटोरा थमा दिया, और लेकिन आज आप ये देखिए कि मंदिर और मस्जिद के बाहर बैठने वाले लोगों को कोई भीख भी नहीं देता, क्योंकि देंगे कहां से? इन्होंने तो पूरी देश की